अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। आज एक्स्ट्रा क्लास है सैटरडे। आप कौन लोग हैं? कॉस्ट की क्लास है। कॉस्ट तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉस्ट की क्लास। मैंने क्या कहा था? तो एफ आर टू की तो तरतीब बदल दी ना, एफ आर टू तो बदल गई तरतीब। हाँ जी, अच्छा मैंने ना आपसे राय मांगी नहीं है, मैंने आपको बताया है कि सैटरडे 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 ये कॉस्ट की एक्स्ट्रा क्लास है जी। सैटरडे 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 में नेक्स्ट सैटरडे भी आ जाएगा, उससे नेक्स्ट भी आ जाएगा, और उससे नेक्स्ट भी आ जाएगा, और उससे नेक्स्ट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद सैटरडे यार काम की बात पूछना अगर कंप्लीट नहीं होगी जाने से पहले, लेकिन तीन टॉपिक में से एक तो होगा इंशाल्लाह, दूसरे की भी कोशिश होगी। सवाल लिखें। हाँ पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। ऑटम 12 मैंने क्वेश्चन दिया था, इसमें एक ही थोड़ा सा बस अगर थोड़ा सा टफ कहें भी तो वो इनपुट निकालना था। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 15,000, इनपुट नहीं पता। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000, नॉर्मल लॉस पता नहीं, एबनॉर्मल पता नहीं लॉस है कि गेन है। आउटपुट पता है 75,000, क्योंकि हम क्वांटिटी स्केड्यूल में आउटपुट दोनों को मिला के कह रहे होते हैं, तो 75,000। नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस कितना है? 10%। इंस्पेक्शन स्टेज है, तो इंस्पेक्शन स्टेज है तो हमें फिर इसका मतलब है कि नॉर्मल लॉस निकालने के लिए इनपुट चाहिए, तो इनपुट नहीं पता तो नॉर्मल लॉस भी नहीं पता, ये मसला था इस सवाल में। लेकिन हिंट ये है कि नॉर्मल ना पता हो, एक्चुअल तो पता है ना, यानी पूरा लॉस इन दोनों का टोटल पता है वो कितना है। तो अब हमें ये दोनों अलग अलग नहीं पता, लेकिन ये दोनों मिला के 12,500, तो ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, यहां से इनपुट निकलेगा। जो लोग नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते रह जाएंगे और सवाल वहीं छोड़ देंगे तो फिर इनपुट नहीं निकल सका। लेकिन एक हिंट है सवाल में कि एक्चुअल लॉस दिया हुआ है, तो हम एक्चुअल लॉस से पहले चीजें पूरी करके इनपुट तो निकालें। एक्चुअल लॉस इन दोनों के सम को कहते हैं, तो आपको इन दोनों का सम पता है 12,500, तो अगर ये 12,500 है, ये आउटपुट पता है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है, तो यहां से इनपुट निकलेगा कितना? 82। अब ये हो जाएगा पूरा। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 50। तो फिर उससे इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकलेंगे, उस पर परसेंटेज लग के नॉर्मल लॉस निकलेगा, और फिर बैलेंस होकर नॉर्मल गेन या लॉस निकलेगा, जो कि शायद लॉस ही था। इसमें डिस्कस करने वाला ये पॉइंट है, आपने इसके अलावा जो पूछना है पूछे। हाँ जी चले सवाल लिखें। अच्छा मैंने यहाँ पर मुझे लगता है मैंने बात की हुई है कि अगर आप सवाल की स्टार्ट की क्वांटिटीज कैजुअल के अंदर यहीं फंस गए हैं, ये मुझे लगता है मैंने स्प्रिंग 10 बताते हुए की थी बात, तो आप इस सवाल को यहाँ ना छोड़ जाएं, जो जैसा समझ आ रहा है करके इसको पूरा करें। अब जो आंसर आपने यहाँ से निकाला होगा सारे नंबर गलत होंगे। क्वांटिटीज कैजुअल में से नॉर्मल लॉस निकालने का नंबर होगा, इनपुट निकालने का नंबर होगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन आपने उन नंबर्स को लेके आगे जब पूरा सवाल किया होगा, वो उन नंबर्स का सही इस्तेमाल किया होगा, तो बाकी नंबर सारे मिलेंगे। ये चीजें ना स्टूडेंट ने देखनी है कि कितना टाइम उसको इंतजार करना चाहिए। अब आप पेपर में कहां खड़े हैं, आखिरी 20 मिनट में हैं, पहले 20 मिनट में हैं, बाकी पेपर के क्या हालात हैं, ओवरऑल टॉपिक के क्या हालात हैं, ये तो उस सिचुएशन में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर एक 10 नंबर का सवाल है
तो उसके ऑफिशियली कोई 18 मिनट तो बनते हैं। तो आप देख लें कि आपको इसको सोचने में अगर आधा घंटा लग रहा है तो फिर गलत कर रहे हैं, वरना का 2-4-5 मिनट लग रहे हैं तो लगा लें। लेकिन क्वांटिटीज कैज, अब 10 नंबर का सवाल है प्रोसेस का, आप क्वांटिटीज कैजुअल पे ही 20 मिनट लगा बैठे ये ना करें, 5 मिनट लगा लें मैक्सिमम, क्योंकि एक बार ये बन जाएगा तो आगे तो चीज़ें इसी के फ्लो में चलनी है, 5 मिनट से ज़्यादा मिनट ना लगाएं। तो ये तो हालात के हिसाब से मशवरा। बस यार बस वो ना, मैंने काफ़ी कुछ कराना है, क्वेश्चन लिखें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस वन फॉर द मंथ ऑफ मई। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से पहले ट्वेंटी यूनिट्स, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की हेडिंग है पहले 2500 यूनिट्स, 60% कंप्लीट, 60% कंप्लीट, और इनकी कॉस्ट है मटेरियल 50,000, 50,000 और कन्वर्जन 65,000, 65,000। चलें ओपनिंग का डाटा पूरा हो गया, करंट मंथ डाटा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 430,000, 430,000, 430,000 और ब्रैकेट में लिखें बीस हजार यूनिट्स। कन्वर्जन कन्वर्जन है 820,000, 820,000। चलिए ये हो गए खर्चे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 3600 यूनिट्स, 3600, 3600, और ये है 80% कंप्लीट, 80% कंप्लीट। नॉर्मल लॉस 400 यूनिट्स, एक्चुअल लॉस 300 यूनिट्स। हाँ जी गेन आ जाएगा। इंस्पेक्शन स्टेज 50%, बाय प्रोडक्ट 600 यूनिट्स, 600, 600, आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ 75% प्रोडक्ट ए और 25% प्रोडक्ट बी। ए है और 25% बी है। वेटेड एवरेज मेथड है, हैं जी? समझ नहीं आई अभी तो सवाल तो पूरा हो ले। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 8 रुपीज 8 पर यूनिट। सेल प्राइसेस पर यूनिट
एक ही प्रोडक्ट, एक ही 200 पर यूनिट, 200 पर यूनिट, सेल प्राइसेस बता रहा हूँ, सेल प्राइसेस बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ए की 200 पर यूनिट है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी टू 250 पर यूनिट, प्रोडक्ट ए 200 पर यूनिट है, प्रोडक्ट बी 250 पर यूनिट है, और बाय प्रोडक्ट 50 रुपए पर यूनिट है, ₹50 पर यूनिट। अच्छा, जैसे लॉसेस की कोई परसेंटेज कंप्लीशन है तो बाय प्रोडक्ट की भी होगी, क्यों? बाय प्रोडक्ट तो बना है तो बाय प्रोडक्ट है ना, तो वो तो मुकम्मल ही हुए होते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड है मुझसे, हैं आप करेंगे तो फिर मैं वो पास पेपर वाला सवाल नहीं करा सकूंगा। क्या करूं, रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, आप करना शुरू करें और मैं आपसे कोई 2-4 मिनट के वक्फे से शुरू करता हूं ताकि आप कर रहे हैं और साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन जो करना चाहे कम से कम उनको भी मौका मिल जाएगा, और वो सुस्तुन नस्ल इंसान जो नहीं करना चाहते वो देख भी लेंगे। अच्छा, जिसने फारीगी बैठने हैं 2-4 मिनट, इधर मार्कर रिफिल करा के ला दे। उनसे कहना बेटा यही वाले रिफिल करके दे। हाँ जी, वेटेड एवरी मैथड। Thank you.
ज्यादा देर लगा दी वैसे। जो लोग नहीं कर रहे वो डाटा बता रहे 20 500। क्वांटिटी स्केचर में कोई एतराज? कंप्लीटेड वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज मेथड है, अब तो खत्म कर रहा हूँ यार, अब तो खत्म हो रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। वेटेड एवरेज मेथड है। कंप्लीटेड यूनिट्स आते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 36, मटेरियल में पूरा, कन्वर्जन में 80%। Abnormal gain, material में पूरे और conversion में आधे। By product यहां नहीं आना। अच्छा यहां ना सारे लोग एक बात सुन लें, सब काम छोड़ के एक बात सुन लें। अभी मैंने सवाल में कहा कि आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ 75% 25%, ये जो बाय प्रोडक्ट है तो ये भी एक आउटपुट ही, ये भी एक आउटपुट ही, आउटपुट ही है ना ये। लेकिन हम लोग आउटपुट मेन प्रोडक्ट को ही कहेंगे, उसकी वजह बताता हूं। अगर कोई ऐसा कहे कि बाय प्रोडक्ट भी तो आउटपुट ही है, और वो कहे कि मुझे पता है ये आउटपुट में इतना बाय प्रोडक्ट है, और वो लाइन यहां ना लिखे, तो ये 18600 हो जाएगा। ये 18600 आउटपुट है और वो यहां लिख जाएगा, हालांकि डिनोमिनेट में बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स नहीं आने, इसलिए आप इसको इससे अलग ही रखें। हो सकता है सवाल में कहा होता बाय प्रोडक्ट ना बताया होता, और सवाल में लिखा होता आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ 10% बाय प्रोडक्ट, 60% ए, 30% बी। आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ 10% बाय प्रोडक्ट, 60% ए, 30% बी, तो फिर बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स को भी नहीं पता। तो फिर हम ऐसा करते कि पहले इसका आंसर लिखते, अठारह, फिर इसका 10% बाय प्रोडक्ट कह के वो इसमें से माइनस कर देते, फिर उसको आउटपुट कहते, फिर ये करते। हाँ, यानी अगर वो बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स बताने की बजाय टोटल आउटपुट के तीन टुकड़े कर दे कि इसमें से इतना बाय है, इतना ए है, इतना बी है, तो फिर आपको ये फिगर तो बाहर निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसके तीन हिस्से हैं, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट हिस्सा निकाल के माइनस करके फिर इसको आउटपुट बोले, ताकि इसको यहां यूज करें। हाँ, इस सवाल में मैंने आपको आउटपुट नहीं बताया, अच्छा, और बाकी क्या बात होती, यानी खुद आउटपुट कहते 19000, उसमें से वो 19000 ये होता, फिर वो 19000 ये होता, ये ना होता, फिर बाकी जो बचता वो ये आउटपुट है जो ए और बी है।
यानी क्वांटिटी स्कैजुअल में आप आउटपुट बाय प्रोडक्ट के बाद वाले लिखेंगे, वरना आप गलती कर जाएंगे, इसको यहां लिख जाएंगे। तो बाय प्रोडक्ट माइनस करके फिर जो बाकी बचे वो है हमारे लिए आउटपुट। बदवानी याद हो गया ना। अच्छा वो एक ना ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, तो मैं बातों से भी शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने लॉसेस बिफोर न्यू मटेरियल पढ़ाया था, लॉसेस बिफोर न्यू मटेरियल, जिसकी प्रैक्टिस के लिए खुद बना के भी सवाल किया, फिर स्प्रिंग 10 भी उसी की प्रैक्टिस थी, स्प्रिंग 22 भी उसी की प्रैक्टिस थी, और इत्तफाक से इन सब में फाइफो ही था। तो जब फाइफो था तो यहाँ पर आता ही करंट पीरियड कॉस्ट है। और मैंने फिर आपको एक वो स्टेरिक लगा के इसका एक फार्मूला बना के दिया था कि जो आंसर निकले वो यहाँ लिखना है। तो स्टूडेंट का सवाल ये था कि क्या ये सिर्फ फाइफो में ही करना है, या अगर वेटेड एवरेज होता तो भी ऐसे ही करते, तो भी ऐसे ही करते। करंट पीरियड कॉस्ट वाली लाइन उस फार्मूले से लिखनी है। अगर वेटेड एवरेज है तो जो सवाल में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की फिगर दी है वो एज इट इज लिख लें। जो फार्मूला बना के दिया था ना करंट पीरियड कॉस्ट का, वो फाइफो वेटेड एवरेज पे डिपेंडेंट नहीं था। करंट पीरियड कॉस्ट की जो लाइन लिखनी है, अगर फाइफो है तो बस यही लाइन है, वेटेड एवरेज है तो वो भी है, ये भी है। इन एनी केस ये लाइन की फिगर उस फार्मूले से निकल के लिखेंगे। पता नहीं किसने क्या कहा, मैंने स्क्रैप वैल्यू भी माइनस होगी जो के हैं 400 × 30, 200, और बाय प्रोडक्ट भी माइनस होगा 600 × 50, 30,000। डबल 4 6 8 00 8 8 5 00 इसका डिनोमिनेटर है 2 1 5 00 और 2 0 8 3 0 और कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी 20.78 42.49। ये वो उस एनआरबी वाली रेशो से बांट के होगा, वो मैं नहीं बांट रहा अभी है। चले जिन्होंने बांट लिया ठीक है शाबाश, जिन्होंने नहीं बांटा वो खुद ही बांट लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट एनआरबी, अगर डाटा है तो बाय डिफॉल्ट एनआरबी। चले बांट लिया तो देख लें ताकि आंसर टैली कर लें लोग। 8 0 3 9 0 1 3 है, सही नहीं है।
ये मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, मैंने तो उम्मत का इजमा है तो ठीक है। फिर कहीं जा रहा है, क्या आ रहा है? चले इधर, ये गंदी मंदी बाकी देखे। फिर ए बी यूनिट्स इसके 13,500, इसके 4,500 इंटू 200 इंटू 250 2,50,000 1,125,000 3,825 इसको इस रेशो में बांटना है। यही है क्या मतलब पहले में? और कॉस्ट ऑफ तो खुद ही कर रहा ना सॉल्व, ये करें सॉल्व, ये आंसर लिख दिया, खुद ही करें सॉल्व। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स हो गई, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटीरियल 3600 इंटू 20.78 और कन्वर्जन 2,880 इंटू 42.4। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, मटीरियल 100 इंटू 20.78 कन्वर्जन 50 इंटू 42.49। ये है सवाल बाय प्रोडक्ट की भी मिसाल डाल के, है जी। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हल्का सवाल है लेकिन मुनासिब है। यानी अगर कोई एक मुनासिब सवाल टेस्ट करे जैसे स्प्रिंग 21 में किया है या एक दो अटेम्प्ट में हुए हैं तो ये 10-12 नंबर का सवाल, ये प्रोसेस टू के साथ भी आ सकता है। अगर प्रोसेस टू के साथ आएगा तो ये इनपुट की जगह ट्रांसफर इन हो जाएगा, हो सकता है न्यू मटेरियल भी हो जाए। तो जो जो सीखी थी बातें उसके ईपी के बारे में वो सब वैसी होंगी, कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही होगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स वैसे ही होगा। अब उसके बाद तोड़ने वाले काम ऐसे, चलिए इसको नोट कर लें, फिर एक पास पेपर का सवाल करते हैं। अच्छा अब ना जॉइंट प्रोडक्ट के मैं एक सवाल कराऊंगा, मैं इनको मतलब ट्रायो समझता हूँ। तीन क्वेश्चन हैं जॉइंट प्रोडक्ट के, बड़े तगड़े किस्म के हैं, आप इसमें मिलते जुलते। तो अब करूंगा मैं ये कि उनमें से एक कराऊंगा और आज तो वही होमवर्क होगा, यानी आप वो सवाल वही वाला पहले खुद सारा सॉल्व करेंगे, फिर मैं चैप्टर अगला शुरू कर दूंगा। फिर प्रोसेस में मैं अब टाइम नहीं लगा रहा, लेकिन फिर उन तीन में से दूसरा होमवर्क दूंगा अगले दिन, फिर वो आप करके आएंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि अब मुझे जॉइंट के ज़्यादा चांसेस इसलिए लग रहे हैं कि फिर चार अटैम्प्ट से नहीं आया है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। मेहनत सारी वही है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत है वरना बाकी तो मेहनत वही है। तो फिर वो दूसरा सवाल होमवर्क दूंगा, फिर अगले दिन डिस्कस होगा, फिर तीसरा सवाल होमवर्क दूंगा, फिर वो डिस्कस होगा, है जी। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है ये, इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी है कि पूरा हो जाए, आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन अगर कोई दुम रह भी गई उसकी तो अगली क्लास में पूरी करके, तो ये अगली जो एक्स्ट्रा क्लास है 55 इसमें नया चैप्टर। अच्छा कल एक बच्चे ने ये कहा था और मुझे लगता है बाकी भी हो सकता है इस तरह से फिक्रमंद हो, कि जनरल एंट्रीज तो आपने करा दी लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिस बोर्ड पे नहीं हुई। तो उसका जवाब ये है कि जो सवाल 3-4 ऐसे हैं पीछे सवाल जो पार्ट बी पार्ट सी छोड़े हुए थे, कई सवाल ऐसे किए थे कि इसकी एंट्रीज भी छोड़ दें नहीं की, अब आप वो सवाल करिए। एंट्रीज तो मैंने सारी समझाई हैं, कैलकुलेशन निकली हुई हैं, उन्हें को एंट्री के शक्ल में लिखना है ना, या आपको सिर्फ ये चाहिए कि मैं बोर्ड पे लिखूं यहाँ एंट्री में लिखूंगा तो आप कहेंगे सर ने अब कराइए प्रैक्टिस, बेटा तो सर पढ़ाते ही नहीं है। मतलब अगर आपको सिर्फ बोर्ड पे लिखा हुआ ही प्रैक्टिस लग रहा है तो नहीं करानी मैंने इसकी एंट्रीज की प्रैक्टिस। अच्छा चलें आप ना एक काम ये करें कि वो जो सवाल पीछे पेंडिंग रह गए हैं जिनकी वो पार्ट्स को छोड़े होते थे वो प्रैक्टिस है वो आप करिए, वो एंट्रीज की प्रैक्टिस है। बस सिर्फ ये गड़बड़ नहीं, जो फिक्र की बात बनी
मैंने एंट्रीज का जो सवाल बोर्ड पर डिस्कस किया वो था ही तगड़ा वाला सवाल, तो उसकी वजह से जिन बच्चों को भी परेशानी हुई तो शायद वो ये समझें कि एंट्रीज मुश्किल ही सवाल है। वो सब में सवाल एंट्रीज मुश्किल नहीं थी, तो वैल्यूज मुश्किल थी, एंट्रीज तो वही थी। हाँ, स्प्रिंग 19 जो किया था, अब उसमें स्क्रैप इन्वेंटरी डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट वो तो वही था, एंट्रीज वही थी, सिर्फ उन फिगर्स की कैलकुलेशन मुश्किल बन रही थी, और उसमें ब्रैकेट में किसको मल्टीप्लाई करना है किसको नहीं करना। तो वो अगर एंट्रीज का सवाल ना भी होता, अकाउंट का सवाल होता, तो भी वो उतना ही मुश्किल सवाल होता, तो उसको एंट्रीज का मुश्किल सवाल मत समझिए। तो वो सवाल मैंने बोर्ड पे सामने पिक्चर दिखा के डिस्कस हो गया, पर लिखा नहीं है हो तो क्या डिस्कस। तो जो बाकी दो चार सवाल जिनकी एंट्रीज नहीं की थी वो अब आप हंसबे तौफीक करें तो वो एंट्रीज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये नोटेड मिटाऊं, ऑटम 15 क्वेश्चन 1 पढ़ लें, ऑटम 2015 यानी सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। सितंबर 2015 क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं करने लगा हूं बोर्ड पे। सवाल पढ़ने का गाय तो सवाल पढ़े ना। अच्छा, कल मैंने जब बाय प्रोडक्ट के कहे थे ना तीन तरीके, तो मैंने उसमें पॉइंट 3 लिखा था, डिफॉल्ट मेथड कहा था, और उसका कोई अंग्रेजी लिखा है बगैर मैंने वर्किंग्स बता दी थी। वो जो मैंने वर्किंग्स में कर दिया था वो दूसरी क्लास में ना मैंने दो जुमले अंग्रेजी के भी लिख दिए थे, तो बता देता हूँ अगर आपने लिखनी है तो लिख लें।
पॉइंट नंबर थ्री की अंग्रेजी अगर लिखना चाहें तो उसकी अंग्रेजी ये लिख लें, बाय प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट्स बता रहा था। नंबर वन की अंग्रेजी लिखी थी कि इसकी सेल्स को ट्रीट करेंगे नॉर्मल सेल्स। दूसरे तरीके की अंग्रेजी लिखी थी, इसकी सेल्स को ट्रीट करेंगे अदर इनकम। तीसरा तरीका उसकी मैंने अंग्रेजी एज सच नहीं लिखी थी, बस उसके इस्तेमाल बता दिए थे। तो अगर अंग्रेजी लिखना चाहे तो वो बता रहा हूँ। बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री, बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड, जो तीसरा तरीका है जो डिफॉल्ट है उसकी अंग्रेजी, उसकी शान में कुछ मैं अर्ज कर रहा हूँ अगर लिखना चाहे तो। बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट सेल वैल्यू, एट सेल वैल्यू या स्लैश करके एनआरवी कर लें। बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट सेल वैल्यू या एनआरवी एंड सच वैल्यू इज डिडक्टेड, एंड सच वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड सच वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। जिनके अंग्रेजी के अल्फाज इधर उधर गुम हो गए दोबारा बता रहा हूं, बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट सेल वैल्यू या एनआरवी एंड सच वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी ये हम यहां से लेस कर लेते हैं और बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री की एक वैल्यू आ जाती है। ऑटम है क्या, वो समझ नहीं आई? नहीं, असल में मैंने बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट बताई है। नहीं, क्वांटिटीज क्या जो नहीं बताया था मैंने ना, पॉइंट थ्री लिखा था और पॉइंट वन में लिखा था कि ट्रीट इज ए सेल, फिर उसकी एंट्री दिखाई, फिर पॉइंट टू लिखा दूसरा तरीका कि ट्रीट इज अदर इनकम, फिर उसकी एंट्री दिखाई। अब तीसरा तरीका क्या है ये वो अंग्रेजी है, उसको कैसे करना है फिर वो वर्किंग बना के दिखाई थी। सेप्टेम्बर 15 क्वेश्चन वन पढ़ लिया तो फायदा है यहां देखने का, वरना जाना है तो जाए। इसमें इंग्लिश पढ़ के जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी होगी मैं उनको ना एक डायग्राम से बताता हूं, फिर सवाल की वर्डिंग दोबारा देखते हैं। मैं क्वेश्चन वन ऑटम 15 कर रहा हूं डिस्कस। ये जो तीन तगड़े सवाल हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स के, उनमें से ये एक है और बाकी दो जाए वो होमवर्क के साथ डिस्कस, मतलब होमवर्क के तौर पर डिस्कस होंगे डिटेल से, लेकिन होमवर्क के तौर पर। इसकी पहले पिक्चर बताता हूं कि हो क्या रहा है। एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैं उसको अभी समझाने के लिए P1 कह देता हूं। इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है उसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स दो हैं, एक है सिग्मा और एक थीटा है, बीटा है, और इसके अलावा एक बाय प्रोडक्ट भी है जी। ये इस वक्त प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है। इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जो यूनिट्स निकले 34,800 सिग्मा और 16,055 बीटा और जी 584, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी P1 का आउटपुट है। इनमें से जो सिग्मा है ये तो फाइनल है, ये बिक जाता है 300 का, ये 300 का बिक जाता है, लेकिन बीटा आगे एक और प्रोसेस में जाता है जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, मैं इसको प्रोसेस 2 कह लेता हूं। ये यहां इन हो जाएगा, ट्रांसफर इन, और फिर इसका आउटपुट होगा थीटा। इसके यूनिट्स 15,200। सेल ये नहीं होगा, सेल ये होगा कितने का, 500 और क्वांटिटी सबकी लीटर्स में है। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है
के सिग्मा और थीटा, बीटा नहीं, थीटा की पर यूनिट कॉस्ट, सिग्मा और थीटा की पर यूनिट कॉस्ट पूछी है। सिग्मा की पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? प्रोसेस वन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट निकलेगा, वो इन दोनों में टूटेगा, जो सिग्मा का हिस्सा होगा वो डिवाइडेड बाय 34800 करेंगे तो सिग्मा की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। सवाल की प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं हम। प्रोसेस वन सॉल्व होगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, उसका जो आंसर निकलेगा वो इन दोनों में तोड़ेंगे, सिग्मा का जो हिस्सा निकला होगा उसको इससे डिवाइड करेंगे तो सिग्मा की पर यूनिट आ जाएगी। यहां तक कोई इख्तलाफ? जो बीटा का हिस्सा आया होगा उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो बीटा की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन वो पूछी नहीं है, पूछा क्या है? तो अब हमारा ये जो बीटा का हिस्सा निकला वो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन इसके लिए बन जाएगा, फिर इसमें मजीद कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। अब जो इस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट होगी वो थीटा की पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में तो एक ही प्रोडक्ट है। प्रोसेस वन दो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट, प्रोसेस वन जैसे सीखा है वैसे सॉल्व होगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट निकलेगी, उसको दो में तोड़ेंगे, इसका हिस्से से आंसर बन गया डिवाइड बाय ये, एक आंसर रिक्वायरमेंट का हो गया। इसको पर यूनिट नहीं निकालना, इसी फिगर को कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन प्रोसेस टू के लिए बनेगी, प्रोसेस टू की कन्वर्जन कॉस्ट होगी, और फिर जो प्रोसेस टू की पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी वही थीटा की पर यूनिट कॉस्ट होगी। ये सवाल की अप्रोच है, समझ आई? इसमें मुश्किल ये है कि जब इसको बांटेंगे तो एनआरवी की रेशियो में बांटेंगे, इसकी एनआरवी है, बीटा फौरन नहीं बिकता, बीटा बिकता है 500 का आफ्टर इनकरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो मैंने परसों होमवर्क दिया था, हाँ परसों, उसमें ए की सेल प्राइस फौरन बता दी थी और बी की प्राइस बताई थी आफ्टर इनकरिंग अ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 60 रुपए। इस सवाल का मुश्किल पोर्शन ही यही है कि वो 60 रुपए नहीं बताया हुआ, ये इस सवाल का मुश्किल पोर्शन है, और वो इसलिए कि इसलिए मुश्किल है कि इतने बीटा से इतने थीटे नहीं बनने। इसमें ना वो चीजें चेंज हो रही हैं, जो स्प्रिंग 19 में मैंने बताया था कि 1 लीटर 1 केजी नहीं है, 1 लीटर से 0.75 केजी बन रहे हैं, तो ये देखना पड़ता था कि किस चीज को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब हम 170 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, स्प्रिंग 19 की फिगर बोल रहा हूँ, तो हम 2875 से नहीं कर रहे थे, हम 2875 को पहले 0.75 कर रहे थे फिर 170 से मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि जो 282 पर यूनिट कॉस्ट निकली हुई थी उसको हम 2875 से कर देते थे मल्टीप्लाई। ये उसमें ध्यान रखा था कि किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मुश्किलों की वजह से ये सवाल मुश्किल है। अदरवाइज अप्रोच सवाल की है, वो जो मैंने होमवर्क वाले सवाल में 60 रुपए बताया था ना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो इसमें खुद निकालनी पड़ेगी बस। अगर अप्रोच की बात समझ आई है तो फिर मैं कैलकुलेशन करता हूं। पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है P2 की तो सारा कुछ करना पड़ेगा। नंबर कम इसलिए है क्योंकि इसमें ना ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ना होने की वजह से मेहनत कम है इसलिए नंबर कम है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस होता तो फिर नंबर ज्यादा होते। अच्छा, ये जो जितनी कहानी मैंने सुनाई है अंग्रेजी पढ़ के देख लें बेटा, पूछ लें इसमें से किसी सेंटेंस की बात ये ना सेंस बन रही हो या और कोई चीज जो इसमें ना अंग्रेजी की समझ आ रही हो। इसको करने वो तो आता होगा तो 20-25 मिनट लग जाएंगे, नहीं आता होगा तो 40 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ ये कैलकुलेशन के अतबार से इतना तो है। क्या कुछ नहीं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इसकी अप्रोच जो डिस्कस की है पहले उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इस तरह के सवाल को जिसमें दोनों प्रोसेस हैं, ये मैंने स्प्रिंग 10 बताते हुए भी की थी बात, तो इसका मेस मचाने की बजाय ना अपनी वर्किंग्स को साफ सुथरा ऐसे रखें कि आप पहले प्रोसेस वन की हेडिंग दे लें और प्रोसेस वन को पूरा सॉल्व कर लें, फिर प्रोसेस टू की हेडिंग दे के अलग सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि उससे आंसर निकल रहा है या कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन दोनों प्रोसेसेस को अलग अलग रख लें। प्रोसेस वन कर रहा हूं मैं सॉल्व। अच्छा, प्रोसेस वन की मेहनत कहां तक पहुंचानी है? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट तक, फिर टूटेगा ये, तो जो मेहनत होती है वही कर लेते हैं फ्लो में। प्रोसेस वन, अच्छा ये सारा काम वर्किंग में हो रहा है? नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको कहा था बस फ्लो में सवाल करते जाएं, हेडिंग्स दे दें, पेपर मार्कर को पता चल जाएगा कि जो रिक्वायर्ड थी उसकी हेडिंग ये है तो ये आंसर है। प्रोसेस वन कर रहा हूं पहले सॉल्व, क्वांटिटी स्केड्यूल
अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही नहीं, तो क्वांटिटी स्केड्यूल की क्या जरूरत है? हाँ नॉर्मल लॉस तो है ना, तो नॉर्मल लॉस हो सकता है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, इनपुट प्रोसेस वन का। अच्छा यहाँ पर ना एक सवाल वाले को ध्यान करना चाहिए था, उसकी जैसे केयरलेस मिस्टेक है। मटेरियल के साथ अंदर केजी लिखा हुआ है, तो बस ये लीटर केजी एक ही बात है, कोई फर्क होता तो पता चल जाता। वैसे लीटर केजी आमतौर पे बोलने में एक ही बात होती है, चार लीटर दूध चार किलो दूध बोलने में एक जैसी बात ही है, तो उस सेंस में बस शायद ये केजी लिख गया। अगर वरना केजी और लीटर में फर्क होता तो सवाल वाला गाइड करता, तो ये जो लिखा हुआ है ना केजी ये लीटर ही है। जैसे मर्जी है फाड़ दे, तेज फाड़ दे, जैसे आपका दिल करे। इनपुट की क्वांटिटी नहीं है, अमाउंट है, तो यूनिट तक कैसे पहुंचे? पर यूनिट जो अंदर लिखी हुई है उसे डिवाइड कर दें 60,000। ये जो लिखा है ना 3 मिलियन रुपए, 3 मिलियन का है वो, रुपीज 1,000 है ना, तो इसके 3 मिलियन बन गया। और अंदर लाइन के साथ लिखा है कि 50 रुपए एक का रेट है, तो 3 मिलियन को 50 से डिवाइड कर लेंगे तो लीटर निकल आएंगे 60,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना समझ आया हूँ। लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सवाल का, लास्ट सेंटेंस ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। नॉर्मल लॉस तो वही नहीं कहीं होगा, ओपनिंग क्लोजिंग ही नहीं है तो एक्सपेक्टेड का रोल ही नहीं है। 60,000 का 5% 3,000 बाय प्रोडक्ट कितने हैं? 5845। एबनॉर्मल पता नहीं गेन है कि लॉस है। आउटपुट, आउटपुट में क्या लिखूं क्वांटिटी स्केड्यूल में? 34,800 भी और 16,055 भी। ये जो दोनों जॉइंट प्रोडक्ट हैं ये हैं आउटपुट। जब तक हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं निकालते हमें इन दोनों को इकट्ठे लेके ही चलना है, तो आउटपुट है 5,085। तो उसको बैलेंस करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 300। ये क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा वैसे तो इस सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है, तो ये ईपी वाली चीज़ इग्नोर होके बिल्कुल शुरू शुरू में जो किया था एक ही फार्मूला, ऊपर न्यूमरेटर नीचे लॉस वगैरह यूनिट्स निकाल के, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बस जैसे फ्लो में चलना सीखा बस चल लेते हैं। वैसे वेटेड एवरेज मैथड है कि फाइफो मैथड है? ओपनिंग जब वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है तो फिर वेटेड एवरेज फाइफो का भी मसला नहीं है। कंप्लीटेड यूनिट्स यानी आउटपुट 5,085 और एबनॉर्मल लॉस 300। मटेरियल के एतबार से एबनॉर्मल लॉस की कोई कही स्टेज ऑफ कंप्लीशन? कुछ भी नहीं कहा, तो इसके लिए आपको एक बात कही थी कि बस फिर ये पूरे ही हैं। ये हो गया ईपी। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल कन्वर्जन
मटेरियल कितनी? कन्वर्जन ट्वेंटी 500 और 18 क्या था मैं? ये 1.85 4350 ये लेबर और ओवरहेड थे ना तो कन्वर्जन और क्या आएगा? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है कहीं? नहीं है। बाय प्रोडक्ट की सेल है 5845 यूनिट्स हैं और एक बिकेगा 40 का। ये 40 जिनको ना मिला हो टेबल के नीचे जहां सेल प्राइसेस बताई हैं तो वहां इसकी भी है 40। 233 800 2766 कॉस्ट पर यूनिट बन गई 54.07 85.04 नहीं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन तो हम पूरी बना ही नहीं रहे ना, बस कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल रहा हूँ। क्या 50855 इनटू ये दोनों 7 0 7 4 39 ये है। अब वो 1,600,000 जिसको बांटना है ड्राइंग बॉर्डर्स में। यहां तक की कैलकुलेशन देख रहे हैं, यहां तक कोई बहुत मुश्किल काम नहीं किया है, चीजें कम हैं, इसलिए दो प्रोसेस का सवाल पूछ लिया। इसको मैं अगली क्लास में पूरा करता हूँ और अगली क्लास में पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह और फिर अगला चैप्टर शुरू करा दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।